कंट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 के घर में कंटेस्टेंट के बीच झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो बिना किसी बड़े मुद्दे के ही दूसरे से भिड़ जाते हैं और शो में जमकर हंगामा करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कंटेस्टेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है अफसाना खान का। वैसे तो टास्क में हार और जीत चलती रहती है, ये अलग बात है कि अफसाना खान ये सदमा सहन नहीं कर पाई। हाल ही में अफसाना खान ने केवल टास्क हारने की वजह से अपनी जान देने की कोशिश की। इस हरकत की वजह से बिग बॉस के मेकर्स ने अफसाना खान को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं जय भानुशाली भी टास्क के दौरान हैरान परेशान हो जाते हैं। बिग बॉस 15 के घर में जय भानुशाली को कई बार बिना किसी ठोस वजह के लड़ते देखा जा चुका है। जय भानुशाली ने मनमानी करके शो की प्राइज मनी को भी कम करवा दिया था। वहीं अगर बात करें समिता शेट्टी की, तो जो कंटेस्टेंट समिता शेट्टी की बात नहीं सुनते ये उनकी दुश्मन बन जाती हैं। एक छोटी सी बात के लिए समिता शेट्टी ने उमर रियाज की क्लास लगा दी थी। इतना ही नहीं, समिता ने उमर रियाज को टास्क से बाहर भी कर दिया था। तो वहीं बिग बॉस 15 के शुरुआती दिन से ही उमर रियाज लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। घर में टास्क के दौरान उमर रियाज जमकर हंगामा मचाते हैं। बीते कुछ समय में उमर रियाज कई बार अपना आपा खो चुके हैं। हालांकि उमर रियाज की लड़ाई की वजह इतनी बड़ी नहीं होती। तो वहीं अगर बात करें राजीव अदातिया की, तो उन्होंने बिग बॉस 15 के घर में आते ही हंगामा खड़ा कर दिया था। राजीव अदातिया अपने ही दोस्तों की पोल खोलने की धमकी देते नजर आए थे। राजीव अदातिया ने इस दौरान ईशान सहगल को काफ़ी तंग किया। ईशान सहगल और माइसा को अलग करने के लिए राजीव अदातिया ने बिना बात के लड़ाई कर ली थी। अब ये दोनों शो से बाहर हो चुके हैं, तो राजीव अदातिया को शो में बिल्कुल भी फुटेज नहीं मिल रही है।